अभी हम बनाएंगे मटर का पराठा। मटर का पराठा के लिए एक कप मटर हमने उबाल लिया है, इसको इस मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। मटर पीसने के बाद फ्राई पैन में डालेंगे हम ये घी, एक घी एक चम्मच के आसपास, और इस घी पे डालेंगे हम ये जीरा, और इस जीरा पे डालेंगे ये हरी मिर्च, और इस हरी मिर्च पे डालेंगे हम जो मटर हमने पीस लिया था वो किसी भी मटर इसके ऊपर। मटर का पेस्ट डालने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे और मसाले मिक्स कर लेंगे। और ये मटर पेस्ट को फ्राई करने के बाद इस पे डालेंगे हम ये नमक आधी छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है हमारा पेस्ट, अब इसको हम गैस बंद करके उतार लेते हैं। और मटर को फ्राई करने के बाद ये हम आटा ले लेंगे और ये आटा को इस तरह से गोली बना लेंगे। गोली को घेरे की तरह बना लेंगे और इसमें दोनों तरफ से घी लगा लेंगे, ताकि जिससे कि हमारा ये हाथ में चिपकेगा नहीं आटा। और इसको इस तरह से कप की तरह बना लेंगे, इस तरह से गोल कर करके दोनों उंगलियों से दबा के इसको एक इस तरह से एक कप की तरह बना लेंगे। और ये कप की तरह बन चुका है, इसमें डालेंगे ये मटर, ये मटर जो हमने फ्राई कर लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे मटर, और इसको पैक कर लेंगे हर तरफ से। इस तरह से इसको फैला लेंगे आटे को, अंदर हमने मटर का फ्राई किया हुआ पेस्ट डाल दिया है, और इस पे लगा लेंगे घी ताकि ये बेलते टाइम चिपके नहीं, और इसको फिर इस पे बेल लेंगे। पराठा बेलने के बाद पराठा तवा पे डालेंगे, तवा हमने पहले से गर्म कर लिया था, इस तवा पे डाल लेंगे और इसको 3-4 मिनट तक एक तरफ से स्लो गैस पे पकने देंगे, और 2.5-3 मिनट तक मटर का पराठा को हमने एक तरफ से पका लिया। अब हम इसको पलट देंगे दूसरे तरफ से पकने के लिए, और इसको भी 2.5-3 मिनट तक दूसरे तरफ से पकने देंगे। और 2.5-3 मिनट दूसरे तरफ से पकने के बाद पराठा पलट लेंगे अच्छे से पकने के लिए। इस मटर के पराठे पे आधा चम्मच डालेंगे हम घी, ये घी डाल लेंगे और घी को फैला लेंगे हर तरफ, ताकि जो घी है पराठे के हर तरफ जाए। घी लगाने के बाद पराठा को पलट के पकाएंगे ताकि घी अंदर चला जाए, और जब तक उस तरफ से पक रहा है इस तरफ से भी आधा चम्मच घी, ये आधा चम्मच घी इस तरफ से भी, और घी को मिक्स कर लेंगे इस तरफ भी, घी को मिक्स कर लेंगे, और इस तरफ पकने के बाद पलट लेंगे पराठा को, और ये 1-2 मिनट तक दूसरे तरफ भी पकाएंगे। और ये तैयार हो चुका हमारा पराठा हर तरफ से पक के, इसको निकाल लेंगे, और ये तैयार है हमारा मटर का पराठा।